सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरंडम जिया। देखिए गाइस, एक आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा कैप बनाने वाली हूँ। मैंने एक ये पट्टी बुनाई कर ली है, सिलाइयों से इसको मैंने बुनाई किया है। देखिए पट्टी जो हमने बुनाई करनी है, ये 10 सेंटीमीटर चौड़ाई इसकी हमें रखनी है। 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए ये कैप बनाएंगे हम, और इसकी लंबाई मैंने 58 सेंटीमीटर रखी है। आप चाहे तो 60 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो रखी है ये 58 रखी है। इसकी लंबाई को हमने डबल करके ये नाप लिया है, 58 है ये। अब देखिए इसका कैप कैसे बनेगा। ये बीचों बीच हमने यहाँ पर बिल्कुल एकदम मिलाकर ये बीचों बीच इसके सेंटर पर मैंने एक सेफ्टी पिन लगा दी है। सेफ्टी पिन नहीं हो आप पर तो एक धागा लगा दें आप यहाँ पर, जिससे हमें ये पता रहे कि हमारा मेन पॉइंट कौन सा है। देखिए अब इसका कैप कैसे बनेगा। इस तरह से आप इसे रखेंगे, ये चीज़ आप यहाँ पर देख लेंगे कि ये बीचों बीच आ रहा है, इतना ही हमारा इधर रहना चाहिए और ये इतना इधर रहना चाहिए। बीचों बीच ये हमारे सेफ्टी पिन रहनी चाहिए। देखिए इस कैप को हम इस तरह से रख लेंगे, एक ये हिस्सा हमारा इस साइड आएगा और एक हिस्सा इस साइड आएगा, ये इसके ऊपर रखना है। अब हमने क्या करना है, देखिए इस वाले हिस्से को पलट लेना है नीचे से, इस बुनाई वाले डिज़ाइन वाले हिस्से को हमने अंदर कर देना है और ये ऊपर इस तरह से इसको पलट लेना है। एक हिस्सा हमारा ये यहाँ पर आएगा इस तरह से, और इसका एक हिस्सा ये इस साइड पर जाएगा यहाँ। इस तरह से हमने इसको रख लेना है और इसकी यहाँ पर हमने ये सिलाई करनी है। इतनी चौड़ाई आप इसकी रखेंगे कि दोनों साइड हमारी ये ठीक से आ जाएं। इस तरह से चौड़ाई बना लेंगे आप, जिससे ये हमारी दोनों साइड जो है यहाँ पर ठीक से आ जाएं। इस तरह से चलिए अब इसकी हम सिलाई करेंगे। इसके लिए हमें एक सुई की ज़रूरत होगी। यहाँ पर इस तरह से हम इसको सीते जाएंगे। एक एक फंदे से ये निकालेंगे हम सुई को और ठीक से इसकी सिलाई कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये कैप बनेगा। जिस तरह से रेडीमेड कैप आते हैं उसी तरह से ये कैप बनेगा।
अगर आपको ज़्यादा बड़ा कैप बनाना है तो आप इसकी लंबाई 1 मीटर रखेंगे, चौड़ाई आपने 10 सेंटीमीटर ही रखनी है। देखिए एक हिस्सा मैंने ये सी दिया है, अब हमारा ये दूसरा हिस्सा इधर से सीधा सिया जाएगा। एकदम कॉर्नर पर से यहाँ से लेंगे हम। पूरा यहीं तक इसको सी कर लाना है। कि इस हिस्से तक हमने ये इसको सी दिया है यहाँ से। अब जो है हमारा ये वाला हिस्सा सिलाई होगा, ये यहाँ पर ये दोनों हिस्से इसको सीना है हमने, यहीं से इसको सीते हुए लाएंगे। जो डिज़ाइन ये मैंने इस कैप में बनाया है उस डिज़ाइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस कैप के साथ का जो कार्डिगन है उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है जो इसी डिज़ाइन की है। ये सिलाई भी हमने कर दी है। अब हमने ये साइड, ये वाली जो है यहाँ से जहाँ तक ये हमारा जोड़ाया था, ये साइड हमने यहाँ पर और सिलाई करनी है। ये हमने 8 सेंटीमीटर, ये इतनी 8 सेंटीमीटर की सिलाई करनी है। अब ये वाली जो है ये यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर की सीनी है जहाँ तक ये हमारा जोड़ आया था। ये 8 सेंटीमीटर तक सिलाई कर देना है, आपने स्केल से नाप लेना है इसको। अभी थोड़ा सा और रह गया है, 1 इंच के करीब और हमें सीना है, अभी 1 सेंटीमीटर के करीब।
ये देखिए इसका हमने 8 सेंटीमीटर तक इसको, ये साइड भी इसकी सीधी है। अब हमने इसकी ये दूसरी साइड जो है इधर वाली, ये वाली जहाँ से ये वाला हमने हिस्सा यहाँ पर से शुरू किया था, ये वाली भी हमें इतनी ही सिलाई करनी है 8 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला जो है, सेंटीमीटर इसको हमें यहाँ से सिलाई कर देनी है। देखिए 8 सेंटीमीटर ये भी मैंने सिलाई कर दी है ये वाली साइड में। इसको यहाँ पर हम पक्का कर देंगे। देखिए यहाँ से सिल गया है, देखिए सीधा कर लिया है हमने। अब इस सेफ्टी पिन को हम निकाल देंगे। अब आप यहाँ पर एक ये, आप चाहे तो बटन जो आप कार्डिगन में बटन लगाएंगे उसी तरह का कोई बटन लगा दें, या कोई ब्रॉच टाइप आपको मिले तो ये यहाँ पर लगा दें, ये बड़ा भी लगा सकते हैं आप, या फिर ये इस तरह से यहाँ पर छोटा भी। बहुत ही खूबसूरत ये कैप बनकर आएगा, बहुत ही प्यारा ये कैप लगता है। देखिए देखिए गाइज, अगर आपको मेरी डिज़ाइन, मेरा कैप का डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट्स भी करें कैसा लगा आपको ये मेरा डिज़ाइन।